हरे कृष्णा। कई डिवोटीज पूछते हैं वेदांत सूत्र का लक्ष्य क्या है, द गोल ऑफ वेदांत सूत्र। पहले उससे पहले आपको बस एक लाइन में बताना पड़ेगा कि वेदांत सूत्र होता क्या है। आपको पता होगा चार वेद हैं हम लोगों के, ऋग साम यजुर अथर्व। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चार वेद जो हैं इनकी संस्कृत बहुत क्लिष्ट है, और इसकी संस्कृत समझने के लिए आपको 12-14 साल लगाने पड़ेंगे, और वो संस्कृत समझने के बाद फिर जो मतलब निकालेंगे आप इस इन वैदिक संस्कृत से, वो भी शायद मतलब आपका ठीक ना निकले। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, और इसीलिए कई ऋषि मुनियों ने वेद पढ़े, जैसे गौतम मुनि हुए, कनाद हुए, पतंजलि हुए, ऐसे कई ऋषि मुनि हुए, उन्होंने वेद पढ़े, मगर उसमें से अलग अलग मतलब निकाले, अलग अलग सिद्धांत निकाले। कुछ लोगों ने सही निकाले, कुछ लोगों ने गलत सिद्धांत निकाले। तो ऐसा नहीं है कि वो ऋषि मुनि थे तो सही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सही सही है, गलत गलत है। कई बार ऋषि मुनि भी गलत सिद्धांत वेदों से निकाल लेते हैं। तो अगर हम सारे सिद्धांतों को देखें जो वेदों से निकले हैं, उनको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ सिद्धांत गलत निकाले थे ऋषि मुनियों ने, गौतम ने न्याय दिया, कनाद ऋषि ने वैशेषिका दिया, पतंजलि ने योग दिया, कपिल मुनि जो नास्तिक कपिल, उन्होंने सांख्या दिया, जैमिनी ने कर्म कांड दिया। तो ऐसे कई सिद्धांत आ गए, शंकराचार्य जी ने अद्वैत दिया, तो ऐसे कई सिद्धांत आ गए, मगर ये सिद्धांत सारे गलत सिद्धांत थे। अब ये किसने बताया हमें गलत सिद्धांत है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि। एक बहुत बड़े ऋषि थे वेद व्यास, जिनको कि भगवान का ही अवतार माना जाता है। जब वो आए तो उन्होंने सिद्धांत पढ़े और उन्होंने देखा ये तो गलत सिद्धांत है, वेदों के नाम पे प्रचलित सिद्धांत है तो लोग स्वीकार करते हैं मगर हैं गलत। अब ये प्रॉब्लम ये है कि कौन बताए गलत है, क्योंकि कोई इतना प्रकांड पंडित ही नहीं है जो वेदों में इतना प्रवीण है, संस्कृत आती है और वहाँ से कोई सिद्धांत निकाल ले। तो वेद व्यास जी ने खुद से ये प्रोजेक्ट लिया कि मैं इस सारे सिद्धांत काट डालूँगा और सही सिद्धांत की स्थापना करूंगा, वेद जो बताना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा, वेदों को इस्तेमाल करके जो ऋषि मुनि बताना चाहते हैं उसको हमें काटना पड़ेगा। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने सारे सिद्धांत, गलत सिद्धांतों को काटा जो वेदों के नाम पे प्रचलित थे, और उस किताब का नाम है वेदांत सूत्र। उस किताब को बोलते हैं वेदांत सूत्र। अब आपने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उस किताब को, क्योंकि वो तो बहुत टेक्निकल किताब है, मगर आपको मार्केट में ज़रूर मिल जाएगी वो किताब, मगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें आपको कमेंट्रीज पढ़नी पड़ेंगी, वो भी संस्कृत में। सारी बात की एक बात है कि ये वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने ऐसा क्या बोला कि सारे सिद्धांत काट दिए? उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? वेद व्यास जी ने स्थापित किया कि वेदांत सूत्र का सब्जेक्ट मैटर, वेदांत सूत्र हमें क्या समझाना चाहता है। वेदांत सूत्र में उन्होंने लिखा कि वेद हमें क्या समझाना चाहता है, वेद हमें कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं। ये सिद्धांत है, ये ठीक सिद्धांत है। शंकराचार्य जी ने कहा कि वेद हमें क्या सिखा रहे हैं, वेद हमें सिखा रहे हैं निराकार ब्रह्म की अनुभूति। गौतम मुनि ने कहा कि वेद क्या सिखा रहे हैं, वेद सिखा रहे हैं लॉजिक। कनाद ने क्या क्या वेद क्या सिखा रहे हैं, वेद सिखा रहे हैं सब कुछ परमाणु है। इससे गलत गलत सिद्धांत है। वेद हमें सिखा रहे हैं कि एक्चुअली सबका कारण कृष्ण है और उनकी भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, वो भगवान है। इसलिए वेदांत सूत्र में वेद व्यास जी ने ये प्रूफ किया कि वेदेश सर्वेर अहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदे वचाहम। ये गीता में कृष्णा कह रहे हैं सारे वेदों से का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किसको जानना है? कृष्ण कह रहे हैं मुझे जानना है। वेदांत सूत्र किसकी स्थापना कर रहे हैं? कृष्ण भगवान है इस सत्य की स्थापना कर रहे हैं जो कि वेदों में दिया है। वेदांत सूत्र क्या चर्चा कर रहे हैं? भक्ति की चर्चा कर रहे हैं जो कि वेदों में चर्चा की गई है। तो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र का लक्ष्य बताया। वेदांत सूत्र का लक्ष्य है कृष्ण
और कृष्ण भक्ति। इसीलिए कई आचार्य वेदांत, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत। टेक्निकली लोग जो जो बाकी लोग पंडित लोग ऐसे कहते हैं वेदों का अंत। तो वेदों का अंत क्या है, लोग कहते हैं वेदों का अंत निराकार ब्रह्म है, बट मध्वाचार्य जी ने बोला गलत है कि नहीं, वेदांत मतलब वेदों का अंत नहीं है, वेदांत मतलब वेदों, वेद प्लस अंत, अंत मतलब होता है अंदर, कि वेदों के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है जो ऐसे पता नहीं लगेगा, और वो रहस्य है श्री कृष्ण, और वो रहस्य है श्री कृष्ण की भक्ति। और अगर हम परंपरा में वैष्णव आचार्यों से पढ़ेंगे वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र परंपरा में समझेंगे, तो हमें समझ आएगा कि वेदों का रहस्य श्री कृष्ण और उनकी भक्ति है, और हम सही निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो वेदांत सूत्र का इसलिए लक्ष्य कृष्ण और उनकी कृष्ण भक्ति है। अब यहाँ पे कहने के बाद एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये फुटनोट्स हैं, आपको समझ आ गया, एंड हो गया, एंड नहीं हुआ, क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वेदांत सूत्र जब व्यासदेव जी ने लिखा, तो वेदांत सूत्र में उन्होंने सारे गलत सिद्धांत काट दिए। मगर क्या हुआ कि शंकराचार्य जी आए और उन्होंने वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखी, जिसको बोलते हैं शारीरिक भाष्य। और शंकराचार्य जी ने कहा कि वेद व्यास जी ने सारे गलत सिद्धांत काट दिए, मगर सही सिद्धांत क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी वेदों का, वेदांत सूत्र में। शंकराचार्य ने कहा वेद व्यास जी कह रहे हैं वेदों का लक्ष्य है निराकार ब्रह्म। शंकराचार्य जी ने वेद व्यास जी की बात को चेंज कर दिया, अपनी बात रखने के लिए वेदांत सूत्र पे ही कमेंट्री लिखे, बोल दिया कि वेद व्यास जी ऐसा कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए भी, सपोज मैं हूँ और मैं आज कहूँ कि भाई तो मान लीजिए कोई मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कहूँ उसकी थ्योरी गलत है, पर्सन ए की थ्योरी गलत है, पर्सन बी की थ्योरी गलत है, पर्सन सी की थ्योरी गलत है, और मैं आपको सही थ्योरी बता रहा हूँ, तो मैंने किताब लिख दी सही थ्योरी की। फिर मैं मर गया, मेरे बाद कोई बंदा आया, उसने मेरी किताब पर कमेंट्री लिख दी और उसने कहा देखो भाई केशवानंद प्रभु थ्योरी, केशवानंद प्रभु ये वाली थ्योरी नहीं बता रहे थे जो तुम समझ रहे हो, केशवानंद प्रभु दूसरी थ्योरी बता रहे थे। वो व्यक्ति जो उसने जो अपनी थ्योरी बताई है, वो मेरा नाम लेके अपनी थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब समझ लो मेरे कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने, वेद व्यास जी तो का मत ये था कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भक्ति दिया है वेदों में, वेदांत सूत्र में ये प्रूव किया था, बाकी सारे सिद्धांत गलत है। शंकराचार्य ने वेद व्यास जी के कंधे पर गोली चलाई, उन्होंने कहा नहीं 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 वेद व्यास जी ये नहीं कह रहे, वेद व्यास जी कह रहे निराकार भ्रम वेदों में दिया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, वेद व्यास जी कुछ बोल रहे हैं मगर उनके कंधे पर गोली शंकराचार्य ने चला दी ऐसे, तो लोगों ने मान लिया। मगर क्या हुआ उसके बाद, फिर रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, निम्बार्काचार्य आए, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े आचार्य आए, और उन्होंने कहा देखिए भाई शंकराचार्य जी ने सही काम नहीं किया, उन्होंने वेद व्यास जी के कंधे पर गोली चलाई है। वेद व्यास जी जो ये कहना चाह रहे थे कि वेदों में कृष्ण और कृष्ण भक्ति है, उसके सिवा है कुछ नहीं है, आदि अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, सब जगह हरि का ही गुणगान है। उन्होंने प्रूफ किया और उन्होंने ये भी दिखाया कि शंकराचार्य जी ने कमेंट्री लिखी है, वो ऊटपटांग कमेंट्री लिखे शंकरा भाष्य में, गलत गलत मतलब लिखे हैं सूत्रों के, गलत एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, बल्कि शंकराचार्य जी ने एक पॉइंट ऑफ टाइम में वेदांत सूत्र के भाष्य में ये भी लिख दिया कि व्यासदेव जी यहाँ गलत है। अब आप बताइए कि जिसकी हेल्प ले रहे हैं अपना मत रखने के लिए, उसी को काट रहे हैं, यहाँ तक शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में किया। तो सारे आचार्यों ने कहा गलत है कमेंट्री, वेद व्यास जी ने बताया वेदांत सूत्र का लक्ष्य है कृष्ण और उनकी भक्ति। ये अब आपको कंप्लीट पिक्चर समझ आएगी कि एग्जैक्टली वेदांत सूत्र का लक्ष्य क्या है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।